मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम ऑल ऑफ यूर इन इंग्लिश क्लास. चिल्ड्रेन, टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 18, फ्रैंकेस्टीन. चिल्ड्रेन, डू यू नो दिस इज अ साइंस इज एंड साइंस हैज डन एवरीथिंग व्हाट डू यू डिजायर. इन दिस चैप्टर वी सी दैट अ साइंटिस्ट गिव अ लाइफ टू द कॉज. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. आई वाज बोर्न इन स्विट्जरलैंड इन द टाउन ऑफ जिनेवा. मैं स्विट्जरलैंड में जिनेवा नामक शहर में बॉर्न पैदा हुआ था. माई पेरेंट्स लव ईच अदर वेरी मच. मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. एंड आई लर्न फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ देयर लव. मैंने सीखा उनके प्यार को देखा कि सीखा उनसे मतलब एक दूसरे को समझना मैंने सीख गया. आई लर्न डैट टू लव एंड टू बी पेशेंट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन. और मैंने सीखा कि इस संसार में लव एंड पेशेंस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस दुनिया में. माई मदर होप टू हैव अ डॉटर आफ्टर आई वॉज बॉर्न. मेरी माँ की इच्छा थी कि उनकी एक बेटी हो मेरे जन्म के बाद. बट फॉर 5 years आई वॉज द ओनली चाइल्ड. लेकिन 5 सालों तक उनके कोई बच्चे नहीं हुए. मैं अकेला बच्चा उनका था. एंड देन माई मदर फाउंड अ सिस्टर फॉर मी. कुछ और उसके बाद से मेरी माँ को एक मेरे लिए बहन मिल गई. शी वॉज हेल्पिंग अ फैमिली इन विच देयर वर 5 children. वह एक परिवार की मदद करती थी जिसमें उनके 5 बच्चे थे. दे वर वेरी पुअर. वे बहुत गरीब थे. एंड द चिल्ड्रेन वर थिन एंड हंग्री. और बच्चे सभी कमज़ोर और भूखे थे. वन ऑफ द चिल्ड्रेन वॉज अ लिटिल. उनमें से एक बच्ची छोटी सी लड़की थी विद गोल्डन हेयर एंड द ब्लू आईज. जिसकी गोल्डन हेयर थे और ब्लू कलर की आईज थे. हर नेम वॉज एलिजाबेथ. उसका नाम एलिजाबेथ था. माई मदर टुक द लिटिल गर्ल इन टू आवर फैमिली. मेरी माँ उस छोटी सी लड़की को हमारे घर में ले आई, अपने परिवार में ले आई. एंड एलिजाबेथ बिकेम द डॉटर दैट माई मदर हैड ऑलवेज वॉन्टेड. और वो लड़की जो एलिजाबेथ थी उनकी बेटी बन गई. जैसी मेरी माँ को हमेशा इच्छा होती थी एक बेटी की. एज आई ग्रू ओल्डर माई लव फॉर एलिजाबेथ बिकेम स्ट्रॉन्गर ऑल द टाइम. और जैसे मैं बड़ा हो गया मेरे प्यार जो था एलिजाबेथ की तरफ और ज़्यादा मजबूत हो गया. पूरे समय मतलब मैं उसको अच्छी तरह अपनी पूरी तरह उसको बहन मान लिया था. लेटर माई मदर हैड टू अदर सन. उसके बाद मेरी माँ के 2 और बेटे हुए अर्नेस्ट एंड विलियम. उसका नाम था अर्नेस्ट एंड विलियम था. अ यंग वुमेन कॉल्ड जस्टिन ने केम टू लिव इन द हाउस ऑफ द हेल्प माई मदर विद द चिल्ड्रेन. एक यंग वूमेन जिसका नाम था जस्टिन वो आती थी मेरे परिवार मेरे घर में मेरी माँ की और बच्चों की देखभाल करने आती थी. वी लव्ड हर एज मच एज शी लव्ड. हम लोग उसको उतना ही प्यार करते थे जितना वो हम लोगों को प्यार करती थी. द ईयर्स पास्ड हैप्पीली एंड वी हैड एवरीथिंग दैट वी नीडेड. और धीरे धीरे खुशी से समय बीतता गया और हम लोग पास सभी कुछ था जिसकी हम लोग को आवश्यकता होती थी. एट स्कूल आई मेट अनदर वेरी फाइन पर्सन. और स्कूल में मैं एक बहुत अच्छे आदमी से मिला. हिज नेम वॉज हेनरी क्लेवर. जिनका नाम हेनरी क्लेवर था एंड ही वॉज वेरी क्लेवर. और वह बहुत क्लेवर थे. माई फैमिली ऑल्सो लाइक हिम वेरी मच. मेरी फैमिली भी उनको बहुत ज़्यादा लाइक करती थी. सो ही वॉज अ वेलकम विजिटर टू आवर हाउस. इसलिए वह मेरे परिवार के हमारे घर में हमेशा आते जाते थे विजिटर हो गए थे. आई स्टडी वेरी हार्ड एट स्कूल. मैंने स्कूल में बहुत कठिन परिश्रम किया. आई वॉन्टेड टू नो द सीक्रेट ऑफ लाइफ. और मैं जीवन के सीक्रेट ऑफ लाइफ को जान के बारे में जानना चाहता था. एंड मोस्ट ऑफ उससे भी ज़्यादा सब कुछ जानना चाहता था. आई वॉन्टेड टू नो हाउ टू मेकिंग लिविंग थिंग्स. और मैं जानना चाहता था कि लिविंग थिंग्स कैसे होती हैं. आई रीड ऑल द बुक्स दैट आई कुड फाइंड. और मैंने सभी बुक्स पढ़ी जितना भी मैं पाता था सभी को अच्छे से पढ़ता था. वन डे समथिंग हैपन दैट एडेड अ न्यू आइडिया टू द आई ऑलरेडी हैड. और एक दिन कुछ ऐसे घटना घटी कि एक नया विचार मेरे दिमाग में आया जैसा कि मैं हमेशा चाहता था. आई वॉज 15 एट द टाइम. मैं उस समय 15 years का था. एंड वी वर ऑन हॉलीडे इन द माउंटेन्स. और हम लोग छुट्टी मनाने के लिए अपने हॉलीडेज के लिए माउंटेन्स पर गए हुए थे. देर वॉज अ वाइल्ड स्टॉर्म. और भयानक तूफान हुआ था वहाँ पर. एंड विद इट केम द मोस्ट फ्राइटनिंग थंडर एंड लाइटनिंग दैट आई एवर हैव एवर सीन इन माई लाइफ. और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावना और भयानक तूफान लाइटिंग मतलब आकाश में बिजली चमक रही थी. तूफान आ रहा था और दैट आई हैड एवर सीन जिससे को मैंने अपने जीवन में कई बार देखा था. अबाउट 20 meters इन द फ्रंट ऑफ आवर हाउस वॉज अ ग्रेट ट्री. और हमारे घर के जहाँ पर मैं था उससे 20 meters की दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ था. सडनली आई यूज फॉग ऑफ लाइटिंग हिट द ट्री. एक बहुत बड़ा सा
लाइट चमका इंदर हीटर और ट्री को नुकसान पहुंचा दिया। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड कुछ सेकेंड के बाद देर वॉज नथिंग लेफ्ट ऑन एक्सेप्ट ए ब्लैक पीस ऑफ वुड, और पूरा पेड़ दम से जल गया और वहाँ पर कुछ नहीं बचा, सिर्फ लकड़ी के काले काले टुकड़े बदले कोयला हो गए और वुड 2 meters हाई 2 meter ऊंचे तक बन गए। द लाइटिंग हैड डिस्ट्रॉयड, लाइटिंग जो बिजली गिरी थी उसने पेड़ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। आई सा हाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी वॉज, आई बिगेन टू रीड ऑल द बुक्स दैट आई कुड फाइंड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड आई ट्रेवल फॉरवर्ड, और मैंने देखा कि एक कितनी मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कितनी ताकत होती, कितना पावरफुल होता था, और मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया सभी बुक्स में, जैसा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जितना पाता था और उसके भयानक खतरनाक शक्ति के बारे में जानना चाहता था, सब मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। फॉर 17 years माई लाइफ वॉज वेरी हैप्पी, 17 years तक हमारा जीवन बहुत खुश था। देन द फर्स्ट सैड थिंग हैपन, माई मदर बिकेम वेरी, और तब एक बहुत बड़ी दुख की बात आई कि मेरी माँ बीमार हो गई, बहुत बुरी तरह बीमार हो गई। एंड सून द न्यू दैट शी वॉज डाइंग, और उनको ऐसा लगने लगा, जल्दी उनको लगे कि वो अब नहीं बचेंगी, वो मर जाएंगी। जस्ट बिफोर शी डाइड शी आस्क्ड एलिजाबेथ एंड मी टू गो टू हर रूम, ठीक तभी उनको जब उनको ऐसा लगा तो उन्होंने मरने वाली हैं, तो उन्होंने एलिजाबेथ को और मुझको अपने रूम में बुलाया। शी हेल्ड आवर हैंड्स एंड सेड, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और कहा, माई चिल्ड्रेन आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज यू लव ईच अदर, मेरे बच्चों मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे लगता है, जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। एंड बिकॉज वन डे यू विल गेट मैरिड, और कुछ दिनों के बाद जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, एवरी वन इन अदर फैमिली लव्स यू, और परिवार में सब लोग तुमको लव करेंगे। एलिजाबेथ विल यू टेक माई प्लेस इन द फैमिली, और एलिजाबेथ मेरी जगह इस संसार इस घर में परिवार में लेगी। माई डियर मेरी ये बेटी है, आई कैन डाई हैप्पी इफ़ यू विल लुक आफ्टर देम वेन आई विल हैव गॉन, और मैं अच्छी से खुशी खुशी मर सकूँगी यदि तुम इन बच्चों की सबकी घर में अच्छी तरह देखभाल कर सकोगी। माई मदर डैड, उसके बाद मेरी माँ की डेथ हो गई। एंड वी वर वेरी सैड, और हम लोग बहुत सैड हो गए बिकॉज वी लव्ड हर डियरली, क्योंकि हम लोग अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एलिजाबेथ वॉज ब्रेव एंड हेल्प्ड, एलिजाबेथ बहुत ब्रेव थी और हमारी हमेशा हेल्प करती थी। हर स्वीट स्माइल गेव अस सम हैप्पीनेस इन द अनहैप्पी डेज आफ्टर माई मदर्स डेथ, उसकी प्यारी सी स्माइल जो थी हम लोगों को खुशी देती थी, और जब हम लोग उदास होते थे उदासी के दिनों में मेरी माँ के मरने के बाद, जब हम लोग उदास होते थे उसकी प्यारी सी मुस्कान हम लोगों को बहुत ज़्यादा हिम्मत देती थी। द टाइम केम फॉर मी टू गो टू यूनिवर्सिटी, और फिर धीरे धीरे समय बीत गया और समय आ गया कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला गया। आई डिड नॉट वॉन्ट टू लीव माई सैड फैमिली, और मैं उस समय अपने सैड फैमिली को छोड़ना नहीं चाहता था, बट वी ऑल न्यू दैट आई शुड, लेकिन हम सबको पता था कि मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना होगा। इट वॉज हार्ड टू लीव, यह मेरे लिए घर छोड़ना बहुत मुश्किल था, बिकॉज द पेरेंट्स ऑफ माई गुड फ्रेंड हेनरी क्लेवर वुड नॉट लेट हिम टू गो टू यूनिवर्सिटी विद मी, एंड सो आई हैड टू गो अलोन, क्योंकि मेरे दोस्त हेनरी क्लेवर के पेरेंट्स जो थे मेरे साथ को यूनिवर्सिटी भेजना नहीं चाहते, इसलिए मैं अकेले ही चला गया। ऑन माई फर्स्ट डे एट द यूनिवर्सिटी आई मेट माई टीचर, और फर्स्ट डे यूनिवर्सिटी के मैं अपने टीचर से मिला। प्रोफेसर वेल्डमैन हु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, प्रोफेसर वेल्डमैन जो थे सबसे महान साइंटिस्ट थे संसार के। ही गेव अ वंडरफुल टॉक टू ऑल द स्टूडेंट हु वर स्टार्टिंग एट द यूनिवर्सिटी, और वह बहुत आश्चर्यजनक टॉक करते थे, मतलब अच्छी अच्छी बातें बताते थे स्टूडेंट को जो अपना यूनिवर्सिटी में पढ़ना स्टार्ट करता था। ही एंडेड हिज टॉक बाय सेइंग सम ऑफ यू विल बिकम द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ टुमारो, और वह अपनी बात को अंत में यह कहकर ख़त्म करते थे, तुम में से कुछ जो होगे वो कल बहुत बड़े साइंटिस्ट बनोगे। यू मस्ट स्टडी हार्ड एंड डिस्कवर एवरीथिंग दैट यू कैन, और तुम्हें बहुत हार्ड परिश्रम करना चाहिए, बहुत कठिन मेहनत करना चाहिए, और संसार में सभी कुछ जो तुम चाहते हो उसको खोजना चाहिए, मतलब डिस्कवर करना चाहिए। दैट इज़ वाई गॉड मेड यू इंटेलिजेंट, क्योंकि भगवान ने तुम्हें इंटेलिजेंट बनाया है टू हेल्प अदर पीपल, जिससे तुम दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो। नाउ चिल्ड्रन आई होप यू अंडरस्टूड दीज लाइन्स वेरी वेल, नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन इस नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।